राजा, मंदिर और पुजारी। प्रिय इंदु, हमने पिछले खत में देखा कि लोगों के पांच वर्ग बन गए। सबसे बड़ा वर्ग मजदूरों और किसानों का था। किसान जमीन जोतते थे, हल चलाते थे और खाने की चीजें पैदा करते थे। अगर किसान वर्ग ऐसा न करता या और लोग जमीन न जोतते तो अनाज पैदा नहीं होता, या होता तो बहुत कम। इसलिए किसान बहुत महत्वपूर्ण थे। वे न होते तो सब लोग भूखों मर जाते। मजदूरों ने भी खेतों और शहरों में बहुत उपयोगी काम किए। हालांकि इन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया और ये सब लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, फिर भी इन्हें उसके बदले में कुछ खास नहीं मिला। जो कुछ ये पैदा करते थे उसका अधिकतर भाग दूसरों को चला जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों को। हम देख चुके हैं कि राजा और उसके वर्ग के लोगों के पास बहुत अधिकार थे। पुराने कबीलों के वक्त में जमीन सारे कबीले की होती थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं। जैसे जैसे राजा का वर्ग शक्तिशाली होता गया तो वो कहने लगा कि जमीन हमारी है। वे जमींदार बन गए। और किसान, जो जमीन पर असल में मेहनत करते थे, एक तरह से उनके नौकर हो गए। किसान जो कुछ पैदावार करता था उसका बंटवारा कर दिया जाता था और एक बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ आता था। कुछ मंदिरों के पास भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। चलो ये देखते हैं कि ये मंदिर और उनके पुजारी क्या थे। मैंने अपने किसी खत में तुम्हें बताया था कि शुरू के जंगली आदमियों ने ईश्वर और मजहब के बारे में इसलिए सोचना शुरू किया क्योंकि वे बहुत सी बातें समझ नहीं पाते थे, और जिस बात को वे समझ नहीं पाते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर चीज के देवी देवता बना लिए, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और ऐसी चीजें जिन्हें वे देख नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे भूत प्रेत। क्योंकि वे डरे हुए थे इसलिए वे हमेशा यही सोचते थे कि उनके देवी देवता उन्हें सजा देना चाहते हैं। उनके देवता उन्हीं के जैसे थे, कठोर और निर्दयी, और उन्हें शांत करने के लिए या खुश करने के लिए वे बलि चढ़ाया करते थे। इन देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक खास कमरा होता था जिसे वो वेदी या पवित्र स्थान कहते थे। इसमें उस देवता की मूर्ति होती थी जिसकी वे पूजा करते थे। वे किसी ऐसी चीज की पूजा नहीं कर सकते थे जिसे वे देख ही न सकें। ये जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि एक छोटा बच्चा उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकता है जिन्हें वो देखता है। शुरू के आदमी भी बच्चों जैसे ही थे, और क्योंकि वे मूर्ति के बिना पूजा नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने अपने मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की। ये एक अजीब सी बात है कि ये मूर्तियां आम तौर से डरावने और बदशक्त जानवरों की होती थीं, या कभी कभी आधे जानवर और आधे आदमी की होती थीं। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मेरे ख्याल से एक दूसरे जमाने में बंदर की। ये समझना बहुत मुश्किल है कि लोग जानवरों की ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति की ही पूजा करनी है तो उसे खूबसूरत क्यों ही बनाते थे। लेकिन शायद उनका ख्याल था
कि देवता ऐसे होते हैं जिनसे डरना चाहिए, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। उस जमाने में शायद लोग एक ईश्वर या एक महान शक्ति के बारे में नहीं सोचते थे जैसा कि आज सोचते हैं। उनका ख्याल था कि बहुत से देवी देवता हैं जिनमें आपस में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं। अलग अलग शहरों और मुल्कों में प्रायः अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारिनें होती थीं। आमतौर पर पुजारी लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे लोगों से ज्यादा विद्वान होते थे, इसलिए वे राजाओं के सलाहकार बन गए। उस जमाने में किताबें पुजारियों द्वारा लिखी और नकल की जाती थीं। क्योंकि उनके पास ज्ञान था, इसलिए वे पुराने जमाने के समझदार लोग समझे जाते थे। वे डॉक्टर भी होते थे और अक्सर महज ये दिखाने के लिए कि वे कितने होशियार हैं, वे लोगों को कुछ करतब दिखाया करते थे। लोग सीधे सादे और अज्ञानी थे, इसलिए वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे डरते थे। पुजारी हर तरह से लोगों की जिंदगी में घुले मिले थे। वे समझदार लोग थे, इसलिए हर आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास जाता था। वे लोगों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में कैलेंडर नहीं होते थे, खास तौर से आम आदमी के लिए, इसलिए वे त्योहारों से दिनों का हिसाब लगाते थे। पुजारी अक्सर लोगों को बहकाते थे और धोखा देते थे, लेकिन इसके साथ साथ वे कई तरह से उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। जब लोग पहले पहल शहरों में बसने लगे तो बहुत मुमकिन है कि कहीं कहीं लोगों पर राज करने वाले राजा न रहे हों, पुजारी ही रहे हों। बाद में राजा आए और क्योंकि वे लड़ने में ज्यादा होशियार थे, इसलिए उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया। कुछ जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था, जैसे मिस्र के फिरौन। असल में फिरौन जीवित होते हुए भी आधे देवता समझे जाते थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाते थे। आर्यों का हिंदुस्तान में आना। प्रिय इंदु, अभी तक हमने बहुत ही पुराने जमाने की चर्चा की है। अब हम ये देखेंगे कि आदमी ने कैसे तरक्की की और क्या क्या काम किए। उस पुराने जमाने को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी इतिहास के पहले का जमाना, क्योंकि हमारे पास उस जमाने का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। हमें बहुत कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है। अब हम इतिहास के शुरू में पहुंच गए हैं। चलो पहले ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुत पुराने जमाने में मिस्र की तरह हिंदुस्तान में भी अपनी सभ्यता थी। व्यापार होता था और पानी के जहाज हिंदुस्तानी माल को मिस्र, मेसोपोटामिया और दूसरे देशों को ले जाते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान के रहने वाले लोग द्रविड़ कहलाते थे। ये वही लोग हैं जिनके वंशज अब दक्षिणी हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहते हैं। इन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर हमला किया। उस जमाने में मध्य एशिया में बहुत बड़ी संख्या में आर्य रहते होंगे, और क्योंकि
वहां सबके लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुट पाता था, इसलिए वे दूसरे मुल्कों में फैल गए। वे बहुत बड़ी संख्या में ईरान गए और पश्चिम की ओर यूनान तक फैल गए। हिंदुस्तान में भी उनके दल कश्मीर के पहाड़ों को पार करके आए। आर्य एक मजबूत लड़ाकू कौम थी और उसने द्रविड़ों को भगा दिया। ऐसा लगता है कि उत्तर पश्चिम से आर्यों के दस्ते हिंदुस्तान आए होंगे। हो सकता है कि शुरू में द्रविड़ों ने उन्हें रोका हो, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ती ही गई तो उन्हें रोका न जा सका। एक लंबे समय तक आर्य उत्तर में ही रहे, यानी अफगानिस्तान और पंजाब में। उसके बाद वे आगे बढ़े और उस हिस्से में आए जो अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, जहां हम रहते हैं। वे इसी तरह फैलते गए जब तक कि वे मध्य भारत के विंध्याचल पर्वत तक नहीं पहुंच गए। इन पहाड़ों को पार करना मुश्किल था क्योंकि वहां घने जंगल थे। इस तरह एक लंबे समय तक आर्य विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में ही रहे। इनमें से बहुतों ने इन पहाड़ियों को किसी तरह पार कर लिया और दक्षिण में चले गए, लेकिन बड़ी संख्या में आर्य दक्षिण न जा सके, इसलिए दक्षिण मुख्य रूप से द्रविड़ों का ही क्षेत्र बना रहा। आर्यों के हिंदुस्तान आने का अध्ययन बहुत दिलचस्प है। संस्कृत की पुरानी किताबों से तुम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकती हो। इनमें से कुछ किताबें जैसे वेद उसी जमाने में लिखी गई होंगी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उससे तुम हिंदुस्तान के उस हिस्से के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकती हो जिसमें आर्य रहते थे। दूसरे वेदों से और संस्कृत की दूसरी पुरानी किताबों जैसे पुराणों से हमें मालूम होता है कि आर्य किस तरह फैलते चले गए। शायद तुम्हें इन प्राचीन किताबों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें और बातें मालूम होंगी, लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम हैं जो पुराणों से ली गई हैं। इसके बहुत समय बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद महाभारत। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य सिर्फ पंजाब और अफगानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहते थे। अफगानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तुम्हें महाभारत की गांधारी का नाम याद है। उसका यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो गांधार या अफगानिस्तान की रहने वाली थी। अफगानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग देश है, लेकिन उस जमाने में दोनों एक थे। जब आर्य लोग और नीचे गंगा और यमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने पूरे उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यावर्त रखा। पुराने जमाने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों के किनारे बसे शहरों में आबाद हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर नदियों के ही किनारे हैं। हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे? प्रिय इंदु, आर्य कोई 5-6 हजार वर्ष आर्य कोई 5-6 हजार वर्ष पहले या शायद इससे भी पहले हिंदुस्तान आए होंगे। हालांकि सबके सब एक साथ नहीं आए। सैकड़ों वर्षों तक फौजों पर फौजें,
कबीलों पर कबीले और कुटुंब पर कुटुंब आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफ़र करते हुए गृहस्थी की सब चीज़ें गाड़ियों या जानवरों पर लाद कर आए होंगे। वो आजकल के यात्रियों की तरह नहीं आए, वे लौट कर जाने के लिए नहीं आए थे, वे यहाँ रहने के लिए या लड़ मरने के लिए आए थे। जैसा मैंने तुम्हें बताया, इनमें से ज़्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग ईरान की खाड़ी से होते हुए समुद्र के रास्ते भी आए और अपने छोटे छोटे जहाज़ों में सिंध नदी तक चले गए। आर्य कैसे थे, हम उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। इनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबें हैं। शायद शुरू में वे लिखी भी नहीं गई थीं, उन्हें जबानी याद किया जाता था और दूसरों को गाकर सुनाया जाता था। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उन्हें गाया जा सकता है। आज भी एक ऐसे आदमी से वेद पाठ सुनना बड़ा अच्छा लगता है जिसकी आवाज अच्छी हो और जो संस्कृत जानता हो। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र पुस्तकें मानते हैं, लेकिन वेद शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान, और वेदों में वो सब ज्ञान भरा है जो उस जमाने में ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस जमाने में रेलगाड़ियां, तार और सिनेमा नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग अज्ञानी थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने जमाने के ये लोग जितने अक्लमंद थे उतने आज नहीं होते, लेकिन चाहे वे ज्यादा अक्लमंद रहे हों या नहीं, उन्होंने बड़ी अद्भुत किताबें लिखी जो आज भी बड़ी श्रद्धा से देखी जाती हैं। इसी से मालूम होता है कि पुराने जमाने के लोग कितने महान रहे होंगे। जैसा मैंने कहा है कि वेद पहले लिखे नहीं गए थे, उन्हें याद कर लिया जाता था और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। उस जमाने के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी रही होगी। हम में से कितने लोग पूरी किताबें याद कर सकते हैं? जिस जमाने में वेद लिखे गए उसे वैदिक काल कहा जाता है। पहला वेद ऋग्वेद है। ये स्तोत्रों और गीतों से भरा हुआ है जिन्हें पुराने आर्य गाया करते थे। वे लोग बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, बल्कि वे आनंद और उत्साह से भरे हुए थे, और अपने आनंद में उन्होंने सुंदर सुंदर गीत रचे और अपने देवताओं के सामने उन्हें गाया। उन्हें अपने आप पर और अपनी जाति पर बड़ा गर्व था। आर्य शब्द के माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी, और उन्हें स्वतंत्रता बहुत प्रिय थी। हिंदुस्तान में जो आज उनके वंशज हैं, जिनमें हिम्मत का नाम नहीं है और जो अपनी आज़ादी के अभाव को महसूस तक नहीं करते, उनकी तरह वे नहीं थे। पुराने जमाने के आर्यों के लिए गुलामी या बेइज्जती से बेहतर मौत थी। वे अच्छे योद्धा थे और विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत और खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वे खेतीबाड़ी को बहुत महत्व देते थे और इसलिए उन चीज़ों को भी बहुत महत्व देते थे जो खेतीबाड़ी में मदद करती थीं। बड़ी बड़ी नदियाँ उन्हें पानी देती थीं, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और संरक्षक समझते थे। गाय और बैल भी उन्हें बहुत मदद करते थे खेती में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि गाय दूध देती थी जिसका बहुत महत्व समझा जाता था। इसलिए वे इन जानवरों की खास तौर से देखभाल करते थे और उनकी तारीफ के गीत गाते थे। बहुत समय बाद लोग गाय की देखभाल करने के असली कारण को भूलकर उसकी पूजा करने लगे, जैसे उससे किसी को फायदा होता हो। आर्यों को अपनी जाति पर बड़ा गर्व था
और इसलिए वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों में घुल मिल जाने से डरते थे। उन्होंने इस मेलजोल को रोकने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए जिससे आर्य दूसरों से विवाह न कर सकें। बहुत समय के बाद ये वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। अब तो ये व्यवस्था बिल्कुल हास्यास्पद हो गई है। कुछ लोग दूसरों को छूने से या उनके साथ खाने से भी घबराते हैं। खुशकिस्मती से अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रामायण और महाभारत। प्रिय इंदु, वैदिक काल में जब वेद लिखे गए उसके बाद हिंदुस्तान में महाकाव्यों का युग आया। इसे महाकाव्यों का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जमाने में दो महाकाव्य लिखे गए। महाकाव्य उन लंबी कविताओं को कहते हैं जिनमें महान वीरों की कहानी कही गई हो। जैसा कि तुम जानती हो, ये दो किताबें रामायण और महाभारत हैं। महाकाव्यों के युग में आर्य पूरे उत्तरी हिंदुस्तान में विंध्याचल पर्वत तक फैल गए थे। जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, इस पूरे भूभाग को आर्यावर्त कहते थे। आज जो उत्तर प्रदेश है उसे मध्य देश कहा जाता था, यानी बीच का मुल्क। बंगाल को वंग कहा जाता था। एक और बड़े मजे की बात है जिसे शायद तुम जानना चाहो। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे को देखो और ये कल्पना करो कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच आर्यावर्त कहाँ रहा होगा, तो तुम पाओगी कि वो आधे चंद्रमा के आकार का है। इसीलिए आर्यावर्त को चंद्रमा का देश भी कहा जाता था। इंदु का मतलब है चांद, इसलिए आर्यावर्त हुआ इंदु देश। आर्यों को आधा चांद बहुत प्रिय था। वे अर्धचंद्राकार स्थानों को विशेष रूप से पवित्र समझते थे। उनके कई बड़े शहर अर्धचंद्राकार थे, जैसे बनारस। इलाहाबाद में भी, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, गंगा अर्धचंद्राकार हो गई है। रामायण, जैसा कि तुम जानती हो, रामचंद्र और सीता की और लंका के राजा रावण के साथ हुई उनकी लड़ाई की कहानी है। मूल कहानी वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। बाद में कई रूपांतर दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। रामायण में हमें बताया जाता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान में वानरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान वानरों के महानायक थे। मुमकिन है कि रामायण की कथा असल में दक्षिण के लोगों के विरुद्ध, जिनके राजा का नाम रावण था, आर्यों की लड़ाई की कहानी हो। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहां मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता। तुम्हें उन्हें खुद ही पढ़ना होगा। महाभारत रामायण के बहुत समय बाद लिखा गया। ये रामायण से ज्यादा बड़ी किताब है। ये आर्यों और द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं है, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़कर ये बड़ी अद्भुत पुस्तक है जिसमें गहरे विचार और सुंदर कहानियां भरी हुई हैं। सबसे बढ़कर वो हम सबको इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें वो अमूल्य काव्य रत्न है जिसे भगवद्गीता कहते हैं।
ये किताबें हिंदुस्तान में कई हजार बरस पहले लिखी गई थी। महान व्यक्तियों के अलावा ऐसी किताबें भला और कौन लिख सकता था। हालांकि ये इतने बरस पहले लिखी गई थी, फिर भी ये आज हिंदुस्तान में जीवित हैं और हर बच्चा इनके बारे में जानता है और हर वयस्क इनसे प्रभावित है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस श्रृंखला के अंतर्गत तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे 28 पत्र सुने। इस परियोजना में हमें जिन विद्वानों का मार्गदर्शन और परामर्श मिला वो हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की सचिव डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के श्री एन के सेशन, NCERT के निदेशक डॉक्टर PL मल्होत्रा, CIET के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनमोहन चौधरी, सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर अर्जुन देव और प्रोफेसर DS पाणिग्रही, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के प्रोफेसर B गांगुली और CIET के रेडियो प्रभाग की अध्यक्षा डॉक्टर LG सुमित्रा। इस परामर्श समिति की संयोजिका थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम। पत्रों के वाचक अशोक वाजपेयी, भूमिका स्वर्णलता दीक्षित, संगीत निर्देशन राकेश पंडित, उद्घोषक प्रभुदयाल खट्टर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर RC मनचंदा, राजेंद्र प्रसाद, भूषण गजभिये, सतीश लाडे, नंद कुमार और दीपक पांडे, प्रस्तुतिकरण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति ममता गुप्ता और परियोजना निर्देशन डॉक्टर मनमोहन चौधरी।